नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास है आपकी कंप्यूटर की क्लास है, और कंप्यूटर की क्लास में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी में जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका है सेकेंडरी मेमोरी, है ना, यानी स्टोरेज डिवाइस जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो मेमोरी होता है, मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमने पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी। क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंडरी, यानी हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। आज हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आपके होंगे दो प्रकार के, ठीक है। पहला आपका होता है किसके रूप में, तो सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डायरेक्ट। अब कहेंगे आप सीक्वेंस क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा हमारी होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। एक्सेस डिवाइस, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, ठीक है। इसमें केवल एक आता है, वो है आपका मैग्नेटिक टेप। कितने आते हैं? एक आता है मैग्नेटिक टेप, जो सीक्वेंस के अनुसार। सीक्वेंस मतलब समझते हो, सीक्वेंस माने होता है क्रम के अनुसार, पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। क्या है ये, अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। डायरेक्ट वाले में तीन आ जाएंगे, कौन कौन से देख लो। पहला आपका आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा आ जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा आ जाएगा आपका फ्लैश मेमोरी। आपको दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है, तो जस्ट वन मिनट। अब क्लियर है ना? ये फ्लैश मेमोरी है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ मेमोरी, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक। आपका हो गया मैग्नेटिक टेप, जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? तो एक होता है आपका फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क, और दूसरा होता है हार्ड डिस्क। आपका ऑप्टिकल में आ जाएगा पहला हो जाएगा CDR, दूसरा हो जाएगा CDRW, तीसरा आ जाएगा CD-ROM, चौथा आ जाएगा DVD। नीचे का दिखाई दे रहा है? हाँ जी। और पांचवा आ जाएगा आपका ब्लू रे डिस्क, ठीक है। और इसमें आपका आ जाएगा पहला मेमोरी कार्ड, दूसरा हो जाएगा पेन ड्राइव, ठीक है। तो ये आपके टाइप हैं, ठीक है, ये आपके टाइप हैं। तो सर मैं इसे और इधर कर दे रही हूँ, ठीक। अब सब कुछ क्लियर है?
तो याद रहे जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, ये आपके तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। कौन कौन? सॉरी, दो प्रकार की होती है, सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंस मतलब होता है क्रम अनुसार चलने वाला, ठीक है। पहले फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके प्रकार में आएगा मैग्नेटिक टेप। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक टेप का, ठीक है। सबसे पहले जो हम टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? अभी नहीं, आज से आप लगभग ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से आप 25 साल पहले चले जाओगे, तो उस समय जो हम लोग इसमें सीडी यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई भी गाना हम सुन लेते हैं, ये हम उस समय नहीं सुन पाते थे। पहले क्या था हम लोग को कि गाना सुनने के लिए एक कैसेट आता था, कैसेट में गाना को डब किया जाता था, ठीक है। और तब उसमें सीक्वेंस के अनुसार पहले पहला गाना, फिर दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना चलता था। तो उसी को कहते हैं सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो सीक्वेंस के अनुसार चले। अगर मान लो आपके टेप में 50 गाने हैं, ठीक है, और आपको 25वां नंबर का गाना सुनना है, तो आपको पहले 24 नंबर तक गाने को भगाना पड़ेगा, यानी सुनना पड़ेगा या फिर भगाना पड़ेगा, फिर जाके आप 25वें नंबर का गाना सुन सकते हैं। आया समझ में? तो ये होता है सीक्वेंस, यानी क्रम अनुसार चलना। और डायरेक्ट जो इस समय यूज हो रहा है, इस समय हमें कुछ भी सुनना होता है, हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट सुनते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका तीन है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में दो आते हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, अब इसके बारे में बात होगी, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में आपका जो DVD वगैरह है वो ऑप्टिकल डिस्क में आएगा, और जो हम भी पेन ड्राइव वगैरह मेमोरी कार्ड यूज करते हैं वो आपका फ्लैश मेमोरी में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग चला लेंगे हम, कौन सा सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस का मैग्नेटिक टेप, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे गाइस देख रहे हो, मौसम चेंज हो रहा है ना। मौसम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जैसे कि आप खुद देख रहे हो। तो जरूरी है कि अपने अपने केयर करो भाई, और वैसे भी कोरोना फैल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलेंगे हम किसके बारे में, तो हम कंप्यूटर की क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कैसा होता है? पहले एक कैसेट आता था, आपने देखा भी होगा, इस टाइप में कैसेट। जानते हो आप? नहीं जानते हो तो अपने फैमिली वाले से पूछना, अपने मम्मी से पूछना, पापा से पूछना। अगर मम्मी पापा को नहीं पता तो दादा दादी को ज़रूर पता होगा। पहले टेप आता था, टेप में ऐसी ही कैसेट होते थे, और इसमें क्या भरा होता था? रील भरा होता था, और ये रील में ही क्या होते थे, हम गाने भरते थे, कोई चीज़ डबिंग करते थे। पहले हमारे जो था सीडी वगैरह नहीं चलता था, आज से 25-30 साल पहले चले जाओगे ना, तो उस समय VCR वगैरह चला करता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक टेप होता था, ये मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो मैग्नेटिक माने क्या होता है। तो मैग्नेटिक माने होता है चुंबक। क्या होता है? मैग्नेटिक माने होता है चुंबक। और टेप मतलब क्या होता है? एक पतली सी, इसमें क्या होता था कि इसमें पतली सी चुंबकीय टेप का यूज़ किया जाता है, इसमें एक टेप चिपका जाता था, ठीक है, चारों तरफ एक रील सी लगी होती थी, ठीक है, उस पर चढ़ाया जाता था, ठीक है। तो मैग्नेटिक मतलब चुंबक और टेप का मतलब टेप, ठीक है। यानी क्या होता था, इसमें एक रील जो लगी होती, वो मैग्नेटिक टेप की रील का होता था। उसमें क्या होता था? उसमें हमारा डेटा स्टोर किया जाता था, ठीक है। सीक्वेंस के अनुसार, यानी क्रम के अनुसार, ये जो कैसेट होते थे इसमें गाने हम लोग रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। मान लो कोई पिक्चर का गाना है, या कोई भी मैं गाना सुनना होता तो कोई दूसरे पिक्चर का, फिर दूसरे पिक्चर का, तो गाना पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह से गाने, मान लो 10 गाने हमने क्या कर लिया, इसमें हमने डब करा लिया, यानी कि पूरे कैसेट में आपके कितने गाने हैं? 10 गाने हैं। अगर आपको गाना सुनना है 7वां, ठीक है, गाना अगर सुनना है आपको 7वां, तो आपको पहले पहला गाना सुनना होगा भाई। जब पहला गाना नहीं सुनना है तो आप इसे क्या कर सकते हो? रन कराओगे, भगाओगे, इस गाने को भगा के पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, चौथा, पाँचवा, छठवां, फिर जाके आप 7वां में पहुँचोगे, ठीक है।
तो ये होता था, सीक्वेंस के अनुसार चलता था। जैसे पहले बीसीआर, बीसीआर आप लोग नहीं जानते होंगे तो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि आज से 30 साल पहले क्या बीसीआर वाले कैसेट आते थे, क्या टेप होता था। अब तो बहुत सारा सिस्टम चेंज हो गया है, कोई भी गाना सुनना होता हम नेट पे टाइप कर देते, फटाफट आ जाता है गाना। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले आज से 25-30 साल पहले जब स्कूल में डांस वगैरह हुआ करता था, जब प्रोग्राम हुआ करता था, तो कैसेट में गाने को क्या कहते हैं डबिंग करवा के लाया जाता था। फिर स्कूल में टेप हुआ करता था, टेप में गाना बजाया जाता था और फिर रील को भगा के गाना को सुना मतलब जाता था। ठीक है, तो ये वही टेप है। ठीक है, ये क्या होता है, यही टेप होता है। पहले बीसीआर भी होते हैं, इसमें भी यही काम होता था। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, एक इंच लंबाई में 800 से 6250 तक के बाइटें शामिल होती थी। इसकी जो कैपेसिटी होती थी ना, इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो आपका एक इंच में, बता दूं आपको कि एक वन इंच में आपका क्या नाम है 800 से लेके आपका 6250 बाइट आप क्या कर सकते थे, इसमें फिल कर सकते थे, भर सकते थे, इससे ऊपर नहीं। इसकी इतनी क्या होती थी, कैपेसिटी होती थी। मैग्नेटिक टेप की लंबाई कितनी होती थी, सबसे पहले बहुत लंबा रील होता था, बहुत लंबा रील होता था। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई हुआ करती थी लंबाई जो थी 200 से ले के आपका 3600 फिट तक इसकी क्या होती थी, तो 3600 तक इसकी फिट की लंबाई हुआ करती थी। मैग्नेटिक डिस्क क्या था, आपका स्टोरेज डिवाइस हुआ करता था। ठीक है, पर ये इसमें क्या चीज़ अच्छा था, तो मैग्नेटिक टेप जो था आपका कम लागत का था, यानी मोर एक्सपेंसिव नहीं था, सस्ता मिला करता था। ठीक है, उस समय भी ये सस्ता आता था, लेकिन ये ज़्यादा ना विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि इसकी रील अगर ख़राब हो गई ना तो गाना बजने के बजाय ना रोना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, एक बार अपने घर वालों से पूछना, आपके घर वाले, आपकी फैमिली में मम्मी वगैरह या फिर आपके दादा दादी जी होंगे, तो उनसे पूछना क्या पहले टेप चला करता था, क्या टेप में कैसेट वगैरह यूज किया जाता था क्या। ठीक है, तो यही होता था, टेप पहले टेप चलता था। ठीक है, जब लोगों को देखने में लगने लगा कि अरे ये तो बहुत ही क्या हो गया, पुराने टाइप का होता था ना ये, इसमें कितने MB तक स्टोर कर सकते थे, देखो MB की बात की जाए तो इसमें कितने MB तक स्टोर किया जा सकता था, तो इसमें 40 MB से ले के 100 MB, ठीक है, मतलब कि 100 MB तक के आप डेटा को स्टोर कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, डेटा को स्टोर कर सकते थे, ज़्यादा नहीं कर सकते थे, इतना ही स्टोर कर सकते थे, इससे ऊपर आपका डेटा नहीं स्टोर होता था। तो ये हमारे दादा दादी के ज़माने का या हमारे मम्मी पापा के ज़माने का कैसेट हुआ करता था। ठीक है, उस समय आपका CD वगैरह जो लैपटॉप वगैरह चल रहा है ना, पहले ये सब नहीं आता था। और आज से 25-30 साल पहले चले जाओ ना, तो आज जो हम LED यूज करते हैं, आज हम जो LCD वगैरह यूज करते हैं, पतली पतली स्क्रीन वाली कंप्यूटर, पतली पतली स्क्रीन वाले जो आपके क्या कहते हैं TV, ये पहले नहीं होता था। पहले मोटे मोटे TV चला करते थे, खाते पीते पहले होते थे, शटर बंद करने वाले और खोलने वाले TV हुआ करते थे, ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले के ज़माने का ही कैसेट हुआ करता था। और इस समय ये क्या था, तो यही था आपका सिक्वेंसली। ठीक है, यानी सिक्वेंस के अनुसार चलता था, क्रम के अनुसार, इसमें आप डायरेक्ट नहीं सुन सकते थे। और इसके बाद आपका आया डायरेक्ट। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे किसके बारे में, तो डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के बारे में, जो भी आपको चीज़ चाहिए, जो भी आपको डेटा चाहिए कंप्यूटर में है, तो ये नहीं है कि जो आपने आज स्टोर किया है और कल जो स्टोर किया था, पहले कल वाला दिखाएगा फिर आज वाला दिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हो कंप्यूटर से कि मुझे ये फाइल दो, ये फाइल मुझे चाहिए, कंप्यूटर में है तो वो आपको तुरंत दिखाई देगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट कोई भी काम कर सकते हो, जैसे कहते हैं नहीं डायरेक्ट संपर्क करो, किसी बिचौलिया वाला काम नहीं, तो ये आपका क्या था, सीक्वेंस वाला, बिचौलिया वाला काम होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था,
तो इसमें आपको सीक्वेंस के अनुसार आप गाना भर दिए हो तो पहले पहला गाना सुनो, फिर दूसरा गाना सुनो, फिर तीसरा, ऐसे करते करते फिर उस नंबर तक पहुँचते बहुत टाइम लगता था। और रील फंसने का भी डर होता था, टेप खराब होने का भी डर होता था, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम ज़्यादा थी। ठीक है, तो यही है आपका सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस। अब हम कल पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें, क्या होता है फ्लॉपी डिस्क, क्या होता है हार्ड डिस्क, सीडी किसे कहते हैं, डीवीडी किसे कहते हैं, क्या अंतर है दोनों में, इस समय कौन सा चल रहा है, कितने एमबी का आया है, कितने जीबी का आया है, एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।